नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार वर्मा, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाद्रा ललितपुर। मैं हिंदी प्रवक्ता, मैं आपके लिए व्यंजनों का वर्गीकरण लेके आया हूँ। आज का टॉपिक व्यंजनों का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण मैं इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करूँगा। आज मैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, दूसरा उच्चारण प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आज मैं लेके आया हूँ व्यंजन का वर्गीकरण। पहला है कावर्ग। कावर्ग का वर्गीकरण करते हैं, तो कावर्ग का वर्गीकरण करने से पहले मैं यहाँ पे स्वरों का भी वर्गीकरण लिख दिया है। स्वर, ये स्वर हैं सारे, ये स्वर हैं, ये अंतस्थ व्यंजन है और ये ऊष्मीय व्यंजन है, इसी में सभी लिख दिया है, इससे कि समझ में आएगा पूरा। एक बार ऐसा बना लेंगे तो कभी भूलने वाला नहीं है। ये वर्गीकरण, ये उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा वर्ग, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, ये पाणिनि के अनुसार, महा व्याकरण शास्त्री पाणिनि के अनुसार ये वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, कावर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, इसमें आ, बड़ा, हा, विसर्ग, ये वर्ण भी आते हैं, ये स्वर है और ये उसी व्यंजन और विसर्ग, विसर्ग अयोगवाय होता है, ये सारे वर्ण का कंठ और कंठ से उच्चारित होते हैं। दूसरे आगे आ जाइए, ई, बड़ी, या, सा और चावर्ग, ये सारे, इनका सभी का उच्चारण स्थान तालब्ध होता है। चावर्ग और ई, बड़ी, या और संयम वाला शा, ये सभी के उच्चारण स्थान तालब होता है। आगे ऋषि यशाणाम, ऋतु यशाणाम मूर्धन, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन होता है। ऋषि और रा और शा और टावर, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धन होता है। अब लिटु यशाणाम दंत, इन सभी का उच्चारण स्थान ला, जो ये ला है, इसमें ये इसका उच्चारण, ये हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका संस्कृत में प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे आया तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि आपको ये भी याद रहेगा इसका उच्चारण स्थान, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। ला है और ये शा, और ये तावर का उच्चारण स्थान पूरा ता तंत से होता है। आगे चलते हैं, उपदमानी, ठीक, ओष्ट, ये और पा, पा, बा, बा, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ नासिका, इन सभी पांचों वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अगर नासिका आता है तो नासिका लगाएंगे, अगर नासिका नहीं आता है तो इनके स्थान पे का, ये अंगा है, इसका कंठ आए तो कंठ भी सही है, अगर कंठ नहीं आता है, कंठ नासिका आता है तो भी सही है इसका, अगर अकेला नासिका आएगा इसके लिए तो नासिका भी इसका सही आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, जो संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। पहले यहाँ देख लेते हैं, वाह जो एक अक्षर है उसका अलग उच्चारण स्थान होता है, दंतोष्ठ, इसका उच्चारण वकारस्य दंतोष्ठा, दंत और ओष्ठ से इस वा का उच्चारण होता है, इसलिए इसको अलग से एक सूत्र होता है, वकारस्य दंतोष्ठा, इसको वकारस्य दंतोष्ठा, दंत और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। ए में आ जाते हैं, ए किस किस शब्दों से मिलकर बनता है, किन किन वर्णों से, तो ए का संयुक्त, ये मूल जो मूल स्वर होते हैं उनसे ए बना है। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ और ऋषि। हिंदी में चार मूल शब्द होते हैं, चार
मूल वर्ण होते हैं, चार मूल स्वर होते हैं हिंदी में, चार मूल स्वर होते हैं, कौन कौन से, आ ई ऊ ऋषि आयु और ऋषि, ये चार मूल स्वर होते हैं, इन्हीं से ये स्वर बने हैं। ए आ और ई के मेल से ए बनता है और ए आ और ए से ए बनेगा, ओ आ और ऊ से ओ बनेगा, ओ और आ से अ बनेगा। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है तालब, तो ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या हो जाएगा कंठ और तालब। अगला ओ का उच्चारण स्थान, ओ कैसे बनता है आ और ऊ, आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओठ, तो कंठ कंठोष्ठ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया कंठोष्ठ और ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, का अकु विसर्जन कंठा का वर्ग और आ आ आ और विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ई और यासा और चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु और ऋषि रसाणाम मूर्धन ऋतु रसाणाम ऋषि और सा रा और टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन, आगे ऋष और सा ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ दंत और ऊ और पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओंठ, वकारस्य दंतोष्ट वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ट और ए ए का उच्चारण होता है कंठ तालु और ए का कंठ तालु क्योंकि ये इसी से बने हैं दोनों, इनका कंठ तालु, ओ का उच्चारण होता है कंठोष्ट कंठोष्ट और औ का भी कंठोष्ट। ये सारा आज के लिए इतना ही, नमस्कार, आगे मैं और वीडियो लेके आऊंगा।